शहर के बनार थाना इलाके के लिगाड़ी में तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने के बाद एक बार माहौल गरमा गया। बीती रात को असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति खंडित करने की घटना के बाद आज जाट समाज के लोग मौके पर जमा हो गए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही समाज के लोगों ने विवादित स्थल पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। सूचना के बाद पुलिस के अधिकारी व आरएसपी के जाप्ता मौके पर पहुंचा और लोगों की समझाइश कर मौके पर निर्माण कार्य बंद करवाया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास शुरू किए। पुलिस मामले के कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। गौरतलब है कि जाट समाज ने कुछ माह पूर्व सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कर तेजाजी महाराज की मूर्ति लगा दी थी। इसके बाद आसपास के गांवों के लोगों द्वारा इसका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक हित की सरकारी जमीन पर एक समाज के विशेष द्वारा मूर्ति लगाकर अतिक्रमण किया गया। इसको लेकर के लोगों ने जिला कलेक्टर नगर निगम प्रशासन से भी उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने यहां निर्माण कार्य को रोक लगा दी थी, लेकिन बीती रात को मूर्ति खंडित होने के बाद एक बार फिर मामला गर्मा गया। फिलहाल मौके पर एहतियात के तौर पर पुलिस व आरओसी के जवान तैनात किए गए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। इधर जाट समाज का कहना है कि जमीन को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। साथ ही जाट समाज के लोगों ने मूर्ति खंडित करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कल रात में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति बिखंडित की गई थी, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश जारी है, प्रयास कर रहे हैं जल्दी उनको पकड़ा जाए। यहाँ कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कुछ मतलब निर्माण कार्य की कुछ आशंका हमको लगी थी, तो इनसे वार्ता की गई थी और निगम के अधिकारियों को बुलाया गया है, तो अभी इसके ओनरशिप के बारे में क्लियर हो जाएगा, फिर जैसे होगा उस हिसाब से कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो संदिग्धता के आधार पर कुछ लोगों को लेके आ रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो हमारा तेजू का मंदिर था और मूर्ति आज से 2 महीने पहले तेजू जी की जो 19-10 के दिन मूर्ति लगाई थी और सब गांव वाला जाट समाज इकट्ठे होके यहाँ मूर्ति और चौधर बिठा के उठकट कर रहा था। रात को जागरण थी और सुबह सब कीर्तन करके सब खाना नरसोई करके सब बिगड़े थे और फिर बाद में पुलिस बोला भाई हमारी किस्त है यहाँ पर, ये जो 4 दीवारी है बंद कर दो, फिर बाद में आप 4 दीवारी निकाल देना। इस बारे में हम तो ढीले पड़ गए, पुलिस लगी हुई किस्त, हमारा कोई तकलीफ नहीं है, मूर्ति तोड़ेंगे नहीं, कोई बात है, हम तो काम बंद कर दिया कि भाई बैठेंगे बैठ के बात करेंगे। फिर बाद में रात को 11 गए और 10:45 बीच में अयोध्या का आदमी आए थे कोई और मूर्ति तोड़ के यहाँ से ले गए, मूर्ति भी थी नहीं। फिर हमारे गांव वाले सब इकट्ठे, जाट समाज इकट्ठे हो गए, रात को इकट्ठे हुए थे, पुलिस वाले आए थे और हमारे बोला भी जो जिसने तोड़ी है वो 24 घंटे में मुलजिम मिलना चाहिए, हमारी यही बात। एफआईआर दर्ज कराई, करा दी, रात को करा दी थी। आप जमीन पे क्या बात हो रही है? नहीं, जमीन में कोई बात, जो हमारा वो मंदिर है, मंदिर के लिए हम जो छोटा सा मंदिर बना रहे हैं, अब पहले बना हुआ है उसके साथ बना रहे हैं, हमारे वो कोई वैध नहीं है मंदिर जमीन का, हमारा कोई मंदिर का वैध नहीं है, हमारा कुछ ले रहा, हम जो मंदिर है वो तोड़ी हुई थी, इस कल कल मूर्ति और तोड़ देगा तो दीवार ऊंची कर रहे हैं उसके लिए, यही काम है हमारा। राजस्थान के इतिहास में तेजाजी महाराज मूर्ति आज तक खंडित नहीं है और कई मूर्तियां खंडित हो गई होगी, लेकिन यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है और पुलिस के कस्टडी में होते हुए भी ऐसा काम हो रहा, तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। पुलिस फोर्स लगी हुई थी तो, और पुलिस फोर्स कस्टडी में यहाँ अगर दिया जलाते उसका लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, पुलिस वाले गांव वाले बेचारे आके, आस्था है समाज के प्रति, आस्था है पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में आस्था है, और इस प्रकार ऐसा काम हो रहा है और वही सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो कितनी बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है। तो मेरे प्रशासन यही निवेदन है, प्रशासन यही गुजारिश है कि वो लोग 24 घंटे में जो भी ऐसा तत्वों तो ने ऐसा काम किया है, हमारे लिए जाट रात विष्णु ब्राह्मण साहब भाई है, हम कोई विदेश नहीं फैलाना चाहते, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसकी मरम्मत करना चाहते हैं ताकि और कहीं विघटित नहीं करे, कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, और हम समाज को सब छत्तीस को हमको जाट समाज आज तक छत्तीस को साथ लेकर चल रहा है, तेजस मार्ग सारे भक्त हैं,
और ये इधर ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम नहीं बैठेंगे, हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे और राजस्थान का इतिहास ऐसा जन आंदोलन लोग आज सोचने के मजबूर हो जाएगी। सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई ये ऐसा मामला है, ऐसा संवेदनशील मामला है जिसके अंदर लोग और हमारी खुद की जमीन है, यहाँ हमारे नाके हैं और हमारी जमीन के ऊपर अगर तेज महाराज मूर्ति आज तक प्रति देवता नहीं बनाना चाहते, दुर्भाग्य क्या बात हो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।